गजब का क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन। निम्नलिखित में से या निम्नांकित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? इनमें से कोई एक गलत है, हमें उसे छांट करके अलग करना है और वही हमारा उत्तर होगा। चलिए सबसे पहले सीमेंट। दोस्तों याद करो, झूठ मत बोलना, परसों की क्लास की बात करते हैं, जब भूगोल पढ़ा रहे थे तो भूगोल में मोडक आया था, निम्बाहेड़ा भी था ऑप्शन में, ब्यावर भी था, याद है ना? सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया। का मतलब उस दिन हमने जो डिस्कस किया है, यदि मैंने डिटेल में नहीं बताया होता तो क्या आज ये क्वेश्चन हम सही कर पाते? नहीं, मैंने डिटेल में बताया था और पूरी वो सारी बातें मैंने बताई है वो कि वो आपके सामने है। इसका मतलब क्वेश्चन सेम रिपीट नहीं होता, लेकिन उसके अगल बगल की जो जानकारी मैं बताता हूं वो आ जाती है। आओ चलते हैं, चेक करते हैं। मोडक दोस्तों, ये सीमेंट कारखाना, ये बात बिल्कुल सही है, मोडक। और मैं से मोडक, मैं से मंगलम सीमेंट कारखाना, मैंने यही बताया था, मैं से मोडक, मैं से मंगलम, मंगलम सीमेंट कारखाना। और ये दोस्तों कोटा में है। कहां पर है? कोटा, चर्चा हो चुकी थी। जबकि गड़ेपान, दोस्तों गड़ेपान भी मैंने आपको बताया था कोटा में ही है। गड़ेपान कहां पर है? कोटा, लिख देता हूं गड़ेपान, गड़ेपान कोटा है। और ये उर्वरक कारखाना है, फर्टिलाइजर का कारखाना है, और नाम क्या है? चंबल फर्टिलाइजर्स एंड लिमिटेड, उत्तम वीर यूरिया, याद आ गया? चंबल फर्टिलाइजर्स, दोस्तों चंबल फर्टिलाइजर्स कंपनी, ठीक है, याद है? चंबल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, उत्तम वीर यूरिया लिख देता हूं, उत्तम वीर यूरिया उत्पादित होती है, ठीक है, गड़ेपान कोटा, ठीक है। जबकि एक और कोटा में है रामनगर, दोस्तों रामनगर में क्या है? श्री सीमेंट का कारखाना, सॉरी श्री राम सीमेंट, मैंने गलत बोला है, हाँ जी श्री राम, श्री राम कहां है? रामनगर कोटा, रामनगर कोटा में श्री राम सीमेंट का कारखाना, ठीक है। जबकि देखो ये तो है श्री राम, जय श्री राम, कैसे याद करोगे? तरीका बताता हूं दोस्तों, ये तो है श्री राम, और एक केवल लिखा जाए कि श्री सीमेंट का कारखाना, मैंने लिखा श्री सीमेंट, ये ब्यावर में है। दोनों में क्या अंतर है, कैसे याद करें? दोस्तों एक में श्री और एक में श्री राम है। हम जानते हैं कि राजस्थान का दशहरे का मेला कोटा का प्रसिद्ध है, और राम उसमें दशहरे में रावण का इलाज करते हैं, तो सीधी इसी बात है, जय श्री राम कोटा में दशहरा, जय श्री राम। जबकि केवल श्री राम की चर्चा करें, केवल श्री की चर्चा करें तो श्री सीमेंट ब्यावर, याद हो जाएगा। चलिए तो इस प्रकार से ये चर्चा हम कर चुके, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, तो ये आपका एक प्रकार से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया है। अब मैं दोस्तों आपके साथ में थोड़ी चर्चा कर रहा हूं ग्लास की, लीलवानी। दोस्तों लीलवानी नामक स्थान बांसवाड़ा में है, लीलवानी जो कि बांसवाड़ा में है, और यहां पर दोस्तों बांसवाड़ा में है मैग्नीज का उत्पादन होता है, मैग्नीज का यानी Mn का, मैग्नीज का। जबकि यही ऑप्शन होगा क्योंकि ये तो गलत है, ग्लास का कारखाना यहां पर है नहीं, और तांबे का कारखाना या तांबा जो उत्पादित होता है वो खेतड़ी में होता है, सही है। दोस्तों यहां पर हम चर्चा कर रहे हैं ग्लास की, ग्लास की बात करें तो मैंने ग्लास के बहुत सारे कारखाने आपको बता रखे हैं, मैं ग्लास ले लेता हूं सीधा। दोस्तों राजस्थान में ग्लास के कारखानों में फ्रांस की एक कंपनी है जिसका नाम है सेंट गोबेन ग्लास लिमिटेड, या सेंट गोबेन ग्लास वर्क्स नामक कंपनी, मैंने लिखा सेंट गोबेन। दोस्तों सेंट गोबेन जो कि एक फ्रांस की कंपनी है और कांच उद्योग में काम करती है, और राजस्थान के भिवाड़ी अलवर में इसने कारखाना लगा रखा है, शानदार क्वेश्चन, सेंट गोबेन भिवाड़ी अलवर, भिवाड़ी अलवर में यह कांच का कारखाना सेंट गोबेन कंपनी का, और यह फ्रांस की कंपनी भिवाड़ी अलवर। आपने कई बार देखा होगा कि कोटा के अंदर सेमकोर ग्लास फैक्ट्री है, पता है ना आपको, सेमकोर ग्लास फैक्ट्री, दोस्तों रट लेना, अच्छा क्वेश्चन है, सेमकोर ग्लास फैक्ट्री दोस्तों ये कोटा में, कोटा में, ठीक है। जबकि एक धौलपुर में भी ग्लास फैक्ट्री है,
जिसका नाम है हाईटेक प्रिसीजन ग्लास फैक्ट्री। दोस्तों वो हाईटेक प्रिसीजन ग्लास फैक्ट्री धौलपुर में है, जबकि ये सेमकोर ग्लास फैक्ट्री कोटा में है और ये सेंट गोबेन भिवाड़ी में है। ओके चलिए भाई, तो कांच की बात हो गई है। चलिए